लखनऊ मेट्रो की ओपनिंग कुछ समय पहले हुई है, आपको पता है, हो गया कुछ टाइम, मैं मान रहा हूँ, पर मैं अभी तक नहीं गया यार, एक बार भी नहीं गया। दिल्ली में बहुत बार घूम चुका हूँ इसलिए यार कभी मन ही नहीं किया, पर मैं सोचा चलो चलते हैं एक बार घूम के आते हैं, क्योंकि काफ़ी नए स्टेशन की अभी हाल ही फिलहाल में ओपनिंग हुई है, तो देख के आते हैं। हजरतगंज स्टेशन अंडरग्राउंड बना है, कैसा बना है, ये सब पूरा एक बार नज़ारा लेके आते हैं, और मैंने सोचा कि साथ ही साथ आपको भी घुमा दूंगा, तो चलिए चलें। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि नीचे एक लाल बटन है, उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा दीजिएगा। उसको दबाने से क्या होगा, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ आप आ पाएंगे और साथ में हम लोग घूम। और ये पार्किंग में लगा दी है स्कूटी। समय मेट्रो के अंदर हम लोग, और अगला स्टेशन मवैया है। फिलहाल तो खाली है पूरी मेट्रो, कुछ ज़्यादा इधर पे जनसंख्या नहीं है। दरवाजे से हटके खड़े रहें, यात्रियों को आने दें, कोई है ही नहीं तो कौन हटके खड़े रहेगा। और जितना यात्री आने, यात्री नहीं आ रहे। मंजिल आ गई हजरतगंज, तो यहाँ पे सब अंडरग्राउंड है, पूरा लाइन अंडरग्राउंड है, स्टेशन भी अंडरग्राउंड है इसके बाद से। हजरतगंज स्टेशन पे पहुंच गए हम लोग और बाहर की तरफ प्रस्थान हो रहे हैं। बताऊँ आप लोग को, यहाँ का नज़ारा ना बहुत मस्त है। अबे छिछोरो, मार्केट की बात कर रहा हूँ। वाले ऑटो ना चले, ना ये ना चले। अरे ये खुद का रिक्शा है या मतलब कि भाड़े पे लाते हैं? भाड़े से लाते हैं। भाड़े से लाते हैं, खुद का नहीं है? नहीं। तो बैटरी वाले रिक्शा से परेशान है जी, हम लोग बहुत परेशान है बैटरी वाले से। अच्छा, काम नहीं चल रहा उसकी वजह से? नहीं, योगी सरकार ने तो रिक्शा बांट रखा है, आप लोग को नहीं मिला क्या? नहीं, किसी को रिक्शा नहीं मिला। ये रिक्शा नहीं मिला आपको? नहीं। अच्छा, मैं बैटरी वाले रिक्शा से परेशान है। क्या नाम बताया आपने? उस्ताद अली। तो सरकार कुछ सोचे इन लोग के बारे में, रिक्शा उक्शा चला रहे हैं ये लोग?
तो काम चल नहीं रहा ढंग से, तो कुछ सोचिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चमका दिया यार तुमसे एकदम, बैठेंगे पहले ये बताइए ये आपने क्या किया, ये मतलब आपने क्यों किया, ये बताइए। गलती हो गई सर, नहीं करेंगे कभी। इतना सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है, खर्चा हो रहा है, वैसे ही रिक्शा वाले परेशान है आपसे, और ई रिक्शा से ये रिक्शा वाले परेशान है भैया लोग। हो गया जो होना था हो गया, आइंदा इसके बाद गलती करिएगा कभी नहीं, जीवन में हो नहीं सकते। ये अशोक जी है, अब आगे से नहीं करेंगे, वादा कर दिया इनने, तो आप लोग देखिएगा आगे से ये ना करें, कभी आपको दिखे तो जरूर टोक दीजिएगा। चलिए अब फिर किसी को बकरा बनाते हैं, कोई मिल जाए। भाई आप लोग को एक बात बता दूं कि इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, आप लोग का है, मैं कैसे मान लूं, अगर है तो फॉलो करो ना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तभी तो मानूंगा। अरे नहीं यहाँ से नहीं जाना। तो बकरा तो कोई नहीं मिला, तो वापस घर जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी लोग देख पाएँ, मज़ा ले पाएँ आपके साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ये खड़ी है अपनी।